बात करती हैं। बहराइच में आदमखोर तेंदुआ नजर आया है। बहराइच में आदमखोर तेंदुए के हमले में किसान की मौके पर मौत हो गई है। आपको तस्वीरें सुजौली थाना क्षेत्र की दिखा रहे हैं। वो गन्ने के खेत में चारा काटने गया था, तभी खेत में पहले से मौजूद तेंदुए ने हमला बोल दिया, जिससे किसान की मौके पर ही मौत हो गई है। लोगों ने वन विभाग को भी इस घटना की सूचना दे दी है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में तेंदुए ने हमला किया और कई तेंदुए पकड़े भी गए हैं। ये रत्तीराम यादव हैं, सनातपुर चरण। अभी शाम करीब 4 बजे के आसपास ही गए थे यहाँ गन्ना का पाती छोड़ाने। इस समय गांव में चारा नहीं है, तो गन्ने का पाती ही ला के जानवरों को खिलाते हैं जी। एक ईश्वर दिन का खेत है, उसी में गन्ना का पाती छोड़ा रहे थे, पीछे से शेर आकर आक्रमण कर दिया। तो मौके पे मौत हो गई है जी, मौके मौत हो गई जी। अभी तक वन कर्मी कोई पहुंचे हैं यहाँ? कोई कर्मी नहीं। बांदा में महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पत्नी के चरित्र पर शक की वजह से पति ने पत्नी की हत्या की है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। घटना बाबेरू थाना क्षेत्र के आहार गांव की है। महिला 2 साल से मायके रहकर पति से तलाक का केस लड़ रही थी। कोर्ट में पेशी के बाद पति पत्नी को समझाने जंगल ले गया था। पत्नी की गोद में लिटाकर उससे पहले साड़ी से गला दबाया, उसके बाद नेल काटकर 23 बार की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बेरहमी से हत्या का खुलासा हुआ है। सन की पति ने गला दबाकर हत्या के बाद में नेल कटर से पत्नी के शरीर को डुबोकर डाला। तो बांदा से इस वक्त की दिल दहला देने वारदात के बारे में आपको बता रहे हैं, जहां पति ने पत्नी की हत्या कर दी है और पत्नी के चरित्र पर शक की वजह से ये हत्या पति ने की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता उमा शंकर हमारे साथ है। जी बताइए, क्या है ये पूरी घटना? दरअसल ये मामला जो है बांदा थाना, बांदा जो है जिले का है, जहां बबेरू कोतवाली के आहार गांव की घटना है। एक महिला का शव 2 दिन पहले मिला था। पुलिस इसकी जांच कर रही थी कि आखिरकार झाड़ियों के पीछे इस महिला का शव मिला है, किसके पीछे हत्या के क्या कारण है। बताया जा रहा था कि जो पति है उसका राम बाबू, उससे उसका विवाद चल रहा था और 2 साल से वो पत्नी उसकी मायके पे रह रही थी और तलाक का केस भी पति ने डाल रखा था। शक के आधार पर जब पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और परिजनों से पूछताछ करती है, तो उसका मुकदमा दर्ज होता है और मुकदमा के बाद जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उससे सारी हत्या का खुलासा हो जाता है। उसकी महिला की पहले गला दबाया गया था, उसके बाद नेल कटर के जो छोटा सा चाकू होता है उसके 24 बार उसके वार किए गए थे, गोद करके उसकी हत्या की थी। पति ने उस जुर्म को कबूला है। जिस तरीके से जब कोर्ट में पेशी के दौरान वो महिला गई थी, उसके बाद किसी तरीके से पति उसको समझा करके जंगल ले जाता है और गोद में लिटा करके शक करता जी, था। बहुत शुक्रिया आपके तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और वही फिरोजाबाद में एक लड़की की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। घटना थाना उत्तर क्षेत्र के इंद्रपुरी झील की पुलिया इलाके की है। विवाद के बाद 3 दोस्तों ने एक शराबी के साथ मारपीट की। शराबी के पक्ष में लोगों ने लाठी डंडों से तीनों लड़कों पर हमला कर दिया। मारपीट में घायल तीनों लड़कों को ट्रामा सेंटर ले जाया गया है। डॉक्टर ने एक लड़के को मृत घोषित कर दिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हुए लड़ाई में मारा गया है इनका देवर मेरा भाई। तुम्हारे भाई क्या नाम था उनका? कन्हई। कन्हई कहाँ रहते हैं? इंद्रपुरी मोहल्ला। थाना कौन सा लगता है? उत्तर। पुलिस आ चुकी है, पुलिस ने क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस वालों ने अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मथुरा में मामूली कहासुनी में एक ही पक्ष के 2 पक्ष में मारपीट और पथराव हुआ है। इस दौरान एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है। बता दें कि घटना थाना कोतवाली क्षेत्र के शौक रोड की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। मौके पर पुलिस पहुंच गई, वहां से हमें बचा के करके लाए हैं। हम चौकी पे हैं इस वक्त, हमारी कृपा करके
हमारी मदद करी आए, हम विकलांग आदमी हैं। पथराव किसके द्वारा हुआ? एक पत्थर लट्ठों से लड़ाई झगड़ा हुआ अफसर से। अफसर के संगे और भी लड़के थे, उनके घर के लड़के थे वो, कई लड़के भाई थे वो, और दो तीन लड़के और भी उनके मिलने वाले थे, उनसे हुआ था। संभल में एसपी के दफ्तर में बिजली चोरी का मामला सामने आया है। आरोपी के मुताबिक एसपी दफ्तर से डायरेक्ट केबल डालकर कारखाने में बिजली सप्लाई की जा रही थी। इससे पहले कि पूर्व मंत्री अकीलुर रहमान खां के घर पर भी चोरी की बिजली पकड़ी गई है। विभाग ने चेकिंग के दौरान बिजली चोरी के मामले पकड़े हैं। पूर्व मंत्री पर बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि संभल में हाल ही में कांग्रेस का जिलाध्यक्ष भी रंगदारी मामले में जेल जा चुका है। तो संभल से जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर पूर्व मंत्री के घर भी बिजली चोरी पकड़ी गई है। इस मामले में मंत्री के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि अलीपुर रहमान खां सपा नेता है। और वहीं जम्मू कश्मीर के गदरबल में आतंकियों ने गैर स्थानीय लोगों पर हमला कर दिया है। इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। यह हमला उस वक्त किया गया जब लोग एक सुरंग प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि हमलावरों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो इस वक्त जम्मू कश्मीर के गदरबल में आतंकियों ने गैर स्थानीय लोगों पर हमला कर दिया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 7 तस्वीरें इस वक्त हैं। पहली तस्वीर गदरबल में आतंकी हमले की है और बता दें कि इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा और जो लोग घायल हैं उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। आपके सामने चौथी तस्वीर में अस्पताल की है जहां लोगों को भर्ती कराया गया है। तो ये बड़ा आतंकी हमला जम्मू कश्मीर में हुआ है जहां पर 7 लोगों की मौत हो गई है, कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। और आपको एक बार फिर बता दें कि यह हमला उस वक्त हुआ है जब लोग एक सुरंग में प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द हमलावरों को पकड़ा जा सके। इस वक्त आतंकियों की तलाश भी तेज है, सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। फिर से 2 मजदूरों की हत्या की गई है। फिर से आज तीसरे दिन ये दूसरा वाकया है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद फिर से सिर उठाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि जल्द इनका पता लगा लिया जाएगा। उस प्रकार से कहीं ना कहीं रणनीति बदलने की जरूरत है जिससे कि इस प्रकार की हत्याएं जो जानबूझ करके की जाती है दहशत फैलाने के लिए बाहरी लोगों को, ये अच्छा नहीं है। तो सीएम योगी आज राजधानी लखनऊ में पुलिस स्मृति दिवस में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस मौके पर सीएम योगी शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को सम्मानित करेंगे। लखनऊ पुलिस लाइन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सीएम योगी फतेहगढ़ में शहीद हुए कांस्टेबल रोहित कुमार और कन्नौज में दबिश के दौरान शहीद हुए कांस्टेबल सचिन राठी के परिजनों को सम्मानित करेंगे। इस मौके पर सीएम योगी पुलिसकर्मियों का वर्दी भत्ता बढ़ाने समेत कई अहम घोषणाएं भी कर सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन होता है। और वहीं एसपी उम्मीदवार तेज प्रताप यादव मैनपुरी के करहल विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल कर सकते हैं।
इस मौके पर अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल यादव मौजूद रहेंगे। नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में एसपी कार्यकर्ताओं के मौजूद रहने की संभावना है। बता दें कि अखिलेश यादव करहल सीट से विधायक हैं, लेकिन उनके कन्नौज से चुने जाने के बाद उन्होंने सीट से इस्तीफा दे दिया था, जिसके चलते यहां पर उपचुनाव हो रहा है। और तेज प्रताप यादव मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई रतन सिंह यादव के पोते हैं और वो बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के दामाद भी हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि यूपी विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन में फूट पड़ गई है। सूत्र के हवाले से खबर है कि यूपी कांग्रेस यूपी में उपचुनाव लड़ना नहीं चाहती, क्योंकि कांग्रेस मीरापुर सीट चाहती है, लेकिन बिना बात के समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दो सीट गाजियाबाद खैर की सीट दे दी है। अब कांग्रेस खुद चुनाव न लड़कर एसपी को समर्थन कर रही है। यह रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव का सियासी घमासान जारी है, नामांकन चल रहा है और प्रत्याशी पर्चा भी खरीद रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन में हरियाणा चुनाव से जो दरार पैदा हुई, शायद वो भर नहीं पा रही है। ये इसलिए क्योंकि जो दो सीट समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दी, कांग्रेस उस पर उतरने को तैयार नहीं हो रही। सूत्र बता रहे हैं कि सिर्फ दो सीट देने से नाराज कांग्रेस ने उपचुनाव लड़ने से ही किनारा कर लिया है। दरअसल कांग्रेस और सपा गठबंधन में है, ऐसे में समाजवादी पार्टी ने दो सीटें कांग्रेस को दी हैं, इसमें गाजियाबाद और खैर की विधानसभा सीट है। अब कांग्रेस सूत्रों की माने तो कांग्रेस गाजियाबाद और खैर से चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। कांग्रेस पार्टी मीरापुर सीट चाहती थी और समाजवादी पार्टी की हारी हुई सीटें खुद उन पर चुनाव लड़ना चाहती थी, तो ऐसे में एक बार फिर सपा और कांग्रेस में सीटों को लेकर पेच फंसा है। जो सीटें गाजियाबाद और खैर की समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दी हैं, अब कांग्रेस नेतृत्व उन सीटों पर लड़ने को राजी नहीं है, ऐसा सूत्रों के माने तो। कांग्रेस के लिए छोड़ी खैर और गाजियाबाद सीट के बाद समाजवादी पार्टी ने सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। हालांकि अभी इस बात की कांग्रेस ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन कांग्रेस के नेता इस पर कुछ बोल भी नहीं रहे, क्योंकि अजय राय का कहना है कि सीट देना लेना केंद्रीय नेतृत्व का काम है, हम संगठन मजबूत कर रहे हैं। चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी ने पहले यूपी में 7 सीटों पर घोषणा की, अब महाराष्ट्र में 12 सीटों पर। देखिए, वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर रहा है कितनी सीटें कहाँ देनी है, क्या है, राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर रहा है। हम लोग पूरी ताकत के साथ संगठन को मजबूत करने पर, उस पर काम करने के लिए कर रहे हैं। सपा और कांग्रेस के बीच चल रहे गुप्त द्वंद के बीच बीजेपी सभी सीटों पर जीत का दावा कर रही है, एनडीए के साथ मजबूती से लड़ने की बात कह रही है, लेकिन जिस मिल्कीपुर सीट पर चुनाव को लेकर मामला फंसा है, उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये 6 वकील जी ने खड़े किए थे, उसमें आदरणीय देवेंद्र उपाध्याय जी वकील हैं, देख लीजिए आप, उसको दिखा सकते हैं। जी जी जी। अब कल का कोर्ट का ऑर्डर देखिए, ये भी कल का है और ये देखिए, बाकायदा शिवमूर्ति में, ये शिवमूर्ति हो गए और पैरा संख्या 5 देखिए, इसमें बाकायदा लिखा है कि सर देवेंद्र उपाध्याय और रिप्रेजेंटेटिव कौन था, 6 नंबर पर कौन है, अवधे जी। कल की डेट में इसमें वकालतनामा लगा, इस बात के लिए लगा कि मिल्कीपुर का चुनाव टल जाए। मतलब कितनी बेशर्मी करोगे आप वकील एक दर्जन भेजोगे, आप बाकायदा उसमें वकालतनामा दाखिल करोगे, और कितने मतलब कैसे आप आंखों में आग डालकर झूठ बोलोगे कि नहीं मैंने तो इस्तीफा दे दिया। पूरी तरह झूठा है। इस तरह से हमारे वकील ने, किसी ने, न तो वकील हमने किया, ना वकील खड़ा किया, जो कहते दर्जनों वकील खड़ा किया, मैं हूं क्या। जब हमारा इस्तीफा हो गया, हम सांसद हो गए, तो हम तो साधारण जैसे आप हो वैसे हम हो गए एमएलए के रूप में, हम एमएलए वहां है नहीं, हमारा वकील कैसे खड़ा हम कर पाएंगे, नया वकील कैसे हम तय कर पाएंगे। उपचुनाव के संग्राम में बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने दिख रही है, लेकिन उपचुनाव में ताबड़तोड़ रैलियों की कमान सीएम योगी खुद संभाल रहे हैं। हर सीट पर सीएम योगी दो दो रैलियां करेंगे, यानी उपचुनाव में
सीएम योगी की 18 रैलियां होंगी। इसके अलावा डिप्टी सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे के साथ चुनावी मैदान में उतरने की फुल प्रूफ तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और आगरा में बदमाशों ने घर में घुसकर लूट की है। घर की रखी नकदी, सोने चांदी की जेवरात लेकर बदमाश फरार हो गए हैं और पुलिस जांच में जुटी हुई है। बहराइच हिंसा में जिन 23 लोगों के घरों के बाहर प्रशासन ने सरकारी जमीन का नोटिस लगाया था और 3 दिन का वक्त देकर घर खाली करने या फिर जवाब देने का वक्त दिया था, हाई कोर्ट ने अब उस मामले में स्टे लगा दिया है। अब 23 अक्टूबर को मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में होगी और इस बीच जवाब देने के लिए लोगों को 15 दिन का वक्त मिलेगा। मैं इस वक्त अब्दुल हमीद के घर के बाहर खड़ा हुआ हूं। आप देख सकते हैं ये नोटिस है, इस पे लिखा हुआ है अब्दुल हमीद सनाब अब्दुल मजीद। ये नोटिस हैं और ऐसे नोटिस 23 लोगों के घर के बाहर चिपकाए गए हैं और कहा गया है, इसमें समय दिया गया है कि 3 दिन के अंदर अतिक्रमण ये हटा ले, नहीं तो एक्शन शुरू हो जाएगा। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में हुई सुनवाई में सरकार के संभावित बुलडोजर एक्शन पर स्टे लगा है। हाई कोर्ट से स्टे आने से पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुका था। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर कहा गया था 3 दिन का नोटिस देकर सरकार दंडात्मक कार्रवाई कर रही है। नोटिस में क्या कहा गया है? अब नोटिस में सब चर्चा करके चले गए हैं और बाकी निशान 1 साल पहले लगा गए थे, वो लगा हुआ है। अच्छा, निशान लगा हुआ है? जी जी, लाल वाला निशान लगा हुआ है। हाँ। देखिए, नोटिस चस्पा है और इस नोटिस में कहा गया है कि जो इनके सामने से सड़क गुजर रही है वो जिला मुख्यालय को जाती है और इन्होंने सड़क की जमीन पे कब्जा कर रखा है। नोटिस में ये भी कहा गया है कि जो सड़क का मिड भाग है वहाँ से 60 फीट एक तरफ, 60 फीट दूसरी तरफ इनको खाली करना होगा और लिहाजा ये जो मकान बना है ये 60 फीट के अंदर आते हैं, तो इसलिए इनको PWD ने नोटिस जारी किया है। दरअसल शुक्रवार की शाम 23 मकानों पर अतिक्रमण हटाने का नोटिस चस्पा किया गया था। लिखा था कि आपका मकान सड़क की जमीन पर है, खाली कर लें या फिर नोटिस का जवाब दें, जिसके बाद से लोगों में हड़कंप मच गया था और शनिवार सुबह से ही लोग घर खाली करने लगे थे। मेरे पीछे देखिए ऐसी दुकान है जिस पर नोटिस चिपकाया गया था और ये ऐसा लग रहा है कि ये दुकान खाली की जा रही है। क्या वजह भाई? इधर आइए, क्या वजह खाली कर रहे हैं क्या दुकान? नोटिस हमारे में लग गई है तो हमारी दुकान है नहीं तो हम खाली करेंगे ही। आप रेंट पे हैं? रेंट पे हैं। अच्छा, तो ऐसे कितनी दुकान लोग हैं जो खाली कर रहे हैं दुकानों को? 23 लोग हैं जो खाली कर रहे हैं और हम लोग किराए की दुकान ली है, हमारी खुद की है नहीं। हम लोग यहाँ पे किराए पे थे, अब जा रहे हैं, क्या करेंगे? दूसरी दुकान ढूंढनी पड़ेगी, जब टूट जाएगी तो क्या करेंगे? ये जो नोटिस आपको चस्पा हुई है, जानकारी आपको? नहीं जानकारी थी, पहले एक बार नोटिस मिली थी तो यहाँ से पहले हमने ये रोड मतलब कट गई थी तो दीवार हमने गिरा दिया था, फिर दोबारा मतलब छः महीना हुआ लाल निशान लगा दिए थे मतलब रोड सड़क हटाने के लिए, तो अब एकदम से 3 दिन में जैसे हटाने के लिए बताया तो ये थोड़ा हटा मतलब 3 महीना या 4 महीना का कुछ हमें मतलब दिलासा दे। बहराइच हिंसा के 23 आरोपियों के मकानों पर राजस्व विभाग ने अतिक्रमण की कार्रवाई करने का नोटिस चस्पा किया था। इसमें हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के अलावा महसी इलाके के 23 घरों में बुलडोजर चलाने की बात कही गई थी। जो दंगा हुआ था उस वजह से गांव में लोग, आज पहली बार मैंने इतने लोगों को देखा है जब उनके घर टूटे जा रहे हैं तब वो घर से बाहर निकले हैं, वरना मसला तो ये था ना लेबर है ना मजदूर है, कैसे हम लोग अपना मकान तोड़ेंगे? पड़ रहा उनका जितना उतना पहले आकर वो निशान लगाएं, फिर हम लोग अपनी व्यवस्था करें, फिर उसके बाद तोड़वा लें, अगर वो नहीं तोड़ फिर बहुत ज़्यादा तोड़ देंगे, बस परेशानी इस बात की है। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे बहराइच हिंसा के मामले में आरोपियों पर कार्रवाई लगातार जारी है। हालांकि इलाके में शांति बहाल है लेकिन मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के बड़े बेटे महमूद आलम के नेपाल में छिपे होने की आशंका है। आरोप है कि महमूद नकली सोने का कारोबार कर कई लोगों को ठग चुका है, तो ऐसे में अकूत संपत्ति आने का एक बड़ा जरिया अब्दुल हमीद के पास इस ठगी का था, सिंडिकेट था, जिसके वजह से ये मनबल हो गए थे और उन्होंने गोलीकांड जैसी घटना को अंजाम दिया। फिलहाल अब्दुल हमीद और उसके दो बेटे जेल जा चुके हैं। अखिलेश कुमार, न्यूज 18, बहराइच।